आगे बढ़ लेते हैं, एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करिए। जहां पुलिस भर्ती परीक्षा का आज चौथा दिन है, प्रदेश के 67 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और 1174 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर एग्जाम होगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एग्जाम जो है वो करवाए जाएंगे, परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो 67 जिलों में ये परीक्षा होनी है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लगातार जारी है और ऐसे में चूंकि 23, 24, 25 तक ये परीक्षा चली, उसके बाद आज फिर से ये परीक्षा है और कल भी परीक्षा रहेगी। तो कुल 5 दिनों की परीक्षा थी, उसके बाद थोड़ा गैप था, थोड़ा सा अंतराल था, इसके बाद आज और कल 2 दिन फिर लगातार ये परीक्षा होनी है। तो आज चौथा दिन है, प्रदेश में 67 जिलों में ये परीक्षा होगी, जिसको लेकर एग्जामिनेशन सेंटर्स पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुल 1174 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर अभ्यर्थी यानी परीक्षार्थी एग्जाम देंगे, परीक्षा देंगे। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये एग्जाम कराए जाएंगे। आपको बताएं कि वही परीक्षा है जो बीते समय रद्द भी हुई थी, क्योंकि परीक्षा का पेपर जो था वो लीक हो गया था। लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी, भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी, जिसके बाद लगातार चौतरफा घिरती हुई सरकार और प्रशासन नजर आए थे, शिक्षा विभाग भी नजर आया था। लेकिन अब दोबारा से ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और हर दिन 5 दिन की परीक्षा है और 5 दिनों में से 1 दिन की बात करते हैं तो 2 पालियों में परीक्षा होती है। आज की बात करें तो आज भी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये पाली रहेगी। पहली शिफ्ट यानी कि जिसमें पहुंच रहे हैं परीक्षार्थी अभी से ही सेंटर्स पर, और इसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक भी दूसरी शिफ्ट यानी दूसरी पाली में परीक्षा होगी। कुल 1174 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर परीक्षाएँ जो हैं वो आयोजित की जा रही है। लिहाजा बड़ी उत्सुकता के साथ और उन्हीं अपेक्षाओं के साथ और अपने ऊपर विश्वास और भरोसे के साथ जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच रहे हैं सेंटर्स में। और इस बार जो एग्जाम है, जो परीक्षा है, वो शासन प्रशासन और सिस्टम की भी परीक्षा हो जाती है, क्योंकि इसी सिस्टम पर बीते दफा जब ये परीक्षा रद्द हुई थी तो फिर सवाली निशान खड़े हुए थे कि आखिरकार सिस्टम के रहते इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। संजय सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय, जरा बताइएगा, क्योंकि आज भी